तो दोस्तों आज हम यूपी ट्रिपल एससी पीटी एग्जाम के लिए 40 इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि किसन गंगा परियोजना का उद्घाटन कब हुआ है? तो इसका जो उद्घाटन हुआ है वह हुआ है 19 मई 2018 को। ठीक है, 19 मई 2018 को क्या हुआ है, किसन गंगा परियोजना का उद्घाटन हुआ है और कहाँ पर हुआ है? तो यह हुआ है जम्मू कश्मीर में हुआ है। अगला सवाल है कि भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो यह स्थापित की जाएगी कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में क्या किया जाएगा, भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना है जो अरुणाचल प्रदेश में स्थापित की जाएगी। अगला सवाल है कि भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना की वर्तमान में कुल विद्युत क्षमता है? तो आपको याद रखना है इसकी जो कुल विद्युत क्षमता है वह है 1534.3 मेगावाट। ठीक है, 1534.3 मेगावाट है जो भाखड़ा नागल बांध बहुउद्देशीय परियोजना की वर्तमान में विद्युत क्षमता है। कितनी है? 1534.3 मेगावाट। अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने किस बांध परियोजना को पुनरुत्थित भारत का नवीन मंदिर एवं एक चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा दी थी? तो आपको याद रखना है वह बांध है मयूराक्षी परियोजना। ठीक है, मयूराक्षी परियोजना को पुनरुत्थित भारत का नवीन मंदिर एवं एक चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा दी थी। किसने दी थी? तो यह संज्ञा दी थी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। और किस परियोजना को दी थी? तो वह परियोजना थी मयूराक्षी परियोजना को दी थी। अगला सवाल है कि उरी बांध परियोजना कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है यह स्थित है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में कौन सी परियोजना स्थित है? तो उरी बांध परियोजना स्थित है कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। अगला सवाल है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो आपको याद रखना है हीराकुंड बांध स्थित है तिस्ता नदी पर। ठीक है, हीराकुंड बांध जो है वह तिस्ता नदी पर स्थित है या निर्मित है। ठीक है, और इसकी व्याख्या है कि यह उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, यह कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। अगला सवाल है कि कोयना परियोजना किस राज्य की जीवन रेखा कहलाती है? तो आपको याद रखना है वह राज्य है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी कहलाती है या कौन सी परियोजना कहलाती है? तो आपको याद रखना है वह परियोजना है कोयना परियोजना। ठीक है, कोयना परियोजना है जो महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहलाती है। अगला सवाल है कि निम्न में से केरल में निर्मित बहुउद्देशीय परियोजना है? तो आपको याद रखना है वह है मुल्ला पेरियार बांध। ठीक है, मुल्ला पेरियार बांध वह परियोजना है जो केरल में निर्मित बहुउद्देशीय परियोजना है। कौन सी? मुल्ला पेरियार बांध। अगला सवाल है कि नाथपा थाकरी परियोजना किस नदी पर स्थापित की गई है? तो आपको याद रखना है वह नदी है सतलज नदी। ठीक है, सतलज नदी पर स्थापित की गई कौन सी परियोजना है? नाथपा झाकरी परियोजना जो किस नदी पर स्थापित है? तो आपको याद रखना है वह नदी है सतलज नदी। और इसकी व्याख्या है कि इसमें सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में दो बांध नथप्पा एवं झाकरी बनाए गए हैं और कुल विद्युत क्षमता 1500 मेगावाट है। ठीक है, अगला सवाल है कि आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर निर्माणाधीन किस बहुउद्देशीय परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया है? तो आपको याद रखना है वह परियोजना है इंदिरा सागर परियोजना। ठीक है, इंदिरा सागर परियोजना वह परियोजना है जिसे आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर निर्माणाधीन इंदिरा सागर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया है। ठीक है, किस परियोजना को दिया गया है? इंदिरा सागर परियोजना को। अगला सवाल है कि सिक्किम में स्थापित की गई बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो वह परियोजना है तिस्ता परियोजना। ठीक है, तिस्ता जो परियोजना है वह सिक्किम में स्थापित की गई बहुउद्देशीय परियोजना है। कौन सी? तिस्ता परियोजना। और इसकी व्याख्या है कि 1200 मेगावाट की यह परियोजना 2017 में पूर्ण हुई थी। अगला सवाल है कि मैटूर बांध परियोजना किस राज्य की प्रमुख परियोजना है? तो आपको याद रखना है वह राज्य है तमिलनाडु राज्य। ठीक है, तमिलनाडु राज्य की प्रमुख परियोजना कौन सी है? तो वह परियोजना है मैटूर बांध परियोजना जो तमिलनाडु राज्य की प्रमुख परियोजना है। अगला सवाल है कि सर्वाधिक बांध किस राज्य में निर्मित किए गए हैं? तो आपको याद रखना है यह किए गए हैं महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, महाराष्ट्र वह राज्य है जिसमें सर्वाधिक बांध है जो निर्मित किए गए हैं। अगला सवाल है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। ठीक है, टिहरी जो बांध है वह भारत का सबसे ऊंचा बांध माना जाता है। अगला सवाल है कि केरल की जीवन रेखा है, तो केरल की जीवन रेखा कौन सी नदी है? तो वह नदी है पेरियार नदी। ठीक है, पेरियार जो नदी है वह केरल की जीवन रेखा कहलाती है। अगला सवाल है
कि भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है तो वह परियोजना है सिद्रापोंग जल विद्युत परियोजना जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, सिद्रापोंग जल विद्युत परियोजना जो है वो भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है और कहाँ पर स्थित है तो यह स्थित है पश्चिम बंगाल में। अगला सवाल है कि तुलबुल परियोजना संबंधित है, तुलबुल परियोजना किस नदी से संबंधित है तो आपको याद रखना है यह संबंधित है झेलम नदी से। ठीक है, झेलम नदी से कौन सी परियोजना संबंधित है अगर एग्जाम पूछे तो आपको याद रखना है यह संबंधित है तुलबुल परियोजना से। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी नदी घाटी परियोजना आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा सरकारों का संयुक्त उपक्रम है तो आपको याद रखना है वह नदी है मंचकुंड नदी। ठीक है, मंचकुंड वह नदी घाटी परियोजना है जो आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा सरकारों का संयुक्त उपक्रम है। अगला सवाल है कि भारत के किस राज्य में इदुक्की जल विद्युत परियोजना स्थित है तो आपको याद रखना है वह राज्य है हिमाचल प्रदेश राज्य। ठीक है, हिमाचल प्रदेश राज्य में क्या है इदुक्की जल विद्युत परियोजना स्थित है। अगला सवाल है कि गोविंद वल्लभ पंत सागर किस परियोजना का जलाशय है तो आपको याद रखना है वह जलाशय उक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उक्त में से कोई नहीं है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा और उसकी व्याख्या है कि यह रिंद बांध परियोजना में स्थित है। ठीक है, क्या है यह रिंद बांध परियोजना में स्थित है। अगला सवाल है कि हम्पी के निकट कौन सा बांध स्थित है तो हम्पी के निकट स्थित है तुंगभद्रा बांध। ठीक है, तुंगभद्रा बांध जो है वह हम्पी के निकट स्थित है। अगला सवाल है कि कोसी परियोजना किन किन देशों की साझी परियोजना है तो आपको याद रखना है यह साझी परियोजना है भारत एवं नेपाल की। ठीक है, भारत एवं नेपाल की परियोजना है कौन सी कोसी परियोजना। ठीक है, कोसी जो परियोजना है वो भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हम कमेंट बॉक्स कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन है जो आपको मिलती रहेगी। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का नाम है पवार स्टडी पॉइंट। ठीक है, जैसे ही आप पवार स्टडी पॉइंट टेलीग्राम पर सर्च करोगे तो वहाँ से आप हमारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो धन्यवाद।